स्वागत है BML जो कि बीटबॉक्सिंग माय लाइफ। मैं आपका दोस्त दिव्य शासदेव। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा बीटबॉक्स के बेसिक्स। बहुत इजी बेसिक्स रहते हैं बीटबॉक्सिंग में, सिर्फ 3 बेसिक चीजें आती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक बटन दबा दो और शेयर कर दो। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर चेकआउट करो, आई बटन में ऊपर दिया हुआ है। तो गाइस, बीटबॉक्सिंग में सिर्फ 3 बेसिक बीट्स है। पहली है किक ड्रम, हाई हैट, स्नैप। ये बहुत सिंपल है, कुछ इसका लोड नहीं लेना है। और सब्सक्राइब कर दो क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको इस पे पैटर्न्स लाऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किक ड्रम से। किक ड्रम क्या है, बहुत इजी है। इसको बी से नोटिफाई करते हैं। अगर आपको मैं आपको ये दूसरे वीडियो में जाऊंगे यूट्यूब के बीट बॉक्सिंग से रिलेटेड, तो उसमें बी दिया रहेगा तो उसको किक ड्रम रहता है वो। तो इसको बजाते कैसे, समझो आप किसी कुछ बोल रहे हो और आपको बीच में कोई रोकते हो, जैसे यहाँ पे प्रेशर आ जाता है, फिर इसको बी, आप इसको बी भी बोल सकते हैं, पी भी बोल सकते हैं, पी पी बी पी, दोनों सेम साउंड करते हैं। तो इसको निकालने के लिए समझो आपको कोई कुछ बोल रहा है और आपको कोई बीच में रोक देता है, तो कैसे आप बीच में आपकी हवा का जो प्रेशर रहता है वो सामने आ जाता है। फिर ऐसे पूरा मुंह नहीं खोल के बी बोलना है, छोटा सा मुंह खोलना है सिर्फ एयर पास करने के लिए, तो आपका बी साउंड आएगा। एक दो बार में नहीं होगा, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सिंपल है। अब चलते हैं हाई हैट। हाई हैट उससे भी सिंपल है। हाई हैट में बस जिसे आप सांप की आवाज निकालते, बस आपको उसमें बीच में काटना है। ये तो आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है। अब आते हैं के स्नैर। के स्नैर थोड़ा ट्रिकी है, इसपे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सिखाने के लिए। मैं आपको सिखा देता अभी कैसे बजाते हैं और इसका आपको अल्टरनेटिव भी बता देता कि स्नैर को कैसे ए बोलते है, खे खे। तो ये गाइस और ट्रिकी, इस पे मैं पर्सनली एक वीडियो बनाऊंगा। पर आप जब बेसिक्स में आपको बीट सिखाऊंगा उसमें आप इसके अलावा आप वो करते नहीं, स्टैंडर्ड लो है तेरा वैसा, वो यूज करिए अभी। फिर मैं अलग से जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको पूरा के स्नैर, पर्टिकुलर सिर्फ के स्नैर पे बनाऊंगा और आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। तो गाइस ये थे बीट बॉक्सिंग। और मैं आपको अभी एक पैटर्न बता देता हूँ जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बूट्स कैच। तो ये बूट्स कैच में क्या है, एक बार किक ड्रम आता है, एक बार हाई हैट आता है, फिर के स्नैर आता है, फिर वापस हाई हैट आता है। तो मैं पैटर्न लिख देता हूँ। तो हम आते हैं बूट्स और कैच पे। बूट्स और कैच क्या है, जो अभी आपने बेसिक सीखे बस उसका ही एक सिंपल सी बीट है जो सबसे पहले यूट्यूब बीट बॉक्सर सीखते हैं। तो बूट्स कैच कैसे है, किक ड्रम, हाई हैट, के स्नैर, फिर वापिस हाई हैट। इसको बजाते कैसे, ठीक है। जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तब आप ये एक बार प्रैक्टिस करके देखिए इसके बाद, क्योंकि अगला वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा पैटर्न्स पे। तो गाइस अभी वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपकी एक बार आपको वापस बेसिक्स बता देता हूँ ताकि आपके और क्लियर हो जाए। किक ड्रम क्या है, इसको बी से नोटिफाई करते हो और पी से भी नोटिफाई करते, बस तक ऐसे समझो आप किससे बात कर रहे हैं। आपको कोई रोक दे, यहाँ पे हवा का प्रेशर आ जाता है और हवा का प्रेशर छोड़ेंगे, ऐसे बड़ा मुंह नहीं खोलना, छोटा सा मुंह खोलना जिसमें आपकी आवाज ज्यादा बढ़ेगी। कुछ लोग क्या करते हैं, मुंह ज्यादा खोलते हैं जिनके गाँव उनकी ज्यादा आवाज नहीं आती, इसलिए आप छोटा सा मुंह खोलना, यहाँ पे आपका जैसे प्रेशर होगा छोड़ना। पहले आपकी इतनी एक्यूरेट आवाज नहीं आएंगी, थोड़ा प्रैक्टिस करने से एक दिन के अंदर आप किक ड्रम सीख जाएंगे। अब आते हैं हाई हैट। हाई हैट सिंपलेस्ट थिंग है, बस जैसे आप सांप की आवाज निकालते उसको आपको बीच में बस काटना है। केस नहीं, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको ऐसे बजाते पर ये आपको थोड़ा हार्ड जाएंगे, इसलिए मैं इसके लिए एक अलग से पूरी वीडियो बना लूंगा केस नहीं पे। अभी आप यूज कर सकते हैं जैसे आप कभी कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती आप कैसा करते वैसा, तो अभी आप यूज कर सकते हैं। केस नहीं की जगह अभी आप, मैं आपको वो यूज करके बता रहा, अभी थोड़ा लो लगेगा पर आपको अगले वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा और आपके लिए पैटर्न्स भी लाऊंगा। गाइस थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सपोर्ट करो और आपके लिए स्पेशल भी।
अब इसको पास्ट में।